रियलमी एक्स 11 5G का फोल्डर कैसे लगाया जाता है, देख लीजिए। हमारे पास आया हुआ है, इसका डिस्प्ले टूट गया है और ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम क्रेक हो चुका है। इसका फोल्डर लगाएंगे, सबसे पहले हमको कैसे खोलना है इसको देख लेंगे। ये ढक्कन को नहीं तो काफ़ी दुकानदार या काफ़ी आदमी ख़राब कर देते हैं। पातर की पन्नी, जिसे ग्लास वाली पन्नी है, हमको किसी भी किनारे से इसको इंटर करना है और बचा के इंटर करना है, नहीं तो ये पेंटिंग छोड़ देगी तो हमारा एक ख़राब हो जाएगा। किनारे से इसको इंटर करते हैं, देखिए ये हमारा इंटर हो जाएगा ब्लेड के माध्यम से, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद हमको पन्नी को आराम से इसको लगा लेना है, आराम आराम से पन्नी को काटेंगे, आराम से, ज़्यादा नहीं घुरेसेंगे, हल्का ही घुरेसना है कोना, नहीं तो अगर ज़्यादा घुरेसेंगे तो अंदर में पत्ता रहता है, जैसे फिंगर वाला पत्ता इधर है तो हमारा टूटने का डर बना रहे, मतलब फटने का डर बना रहेगा। तो इसको हम खोल देते हैं और चारों तरफ से हमारा जब ये कट जाए तो इसको हमको आराम से इसको हमको उठा लेना है और एक कैमरा लेके ही निखरेगा जो गोल गोल है, घर गया है, इसको अलग करते हैं। ये एकदम सील पैक है, एकदम स्टिकर लगा हुआ है नट बोल्ट पे, देख लीजिए। और इसको हमको खोलना है, देख लीजिए, पहले इसको खोल लेते हैं। इसका डिस्प्ले ही लगाना है हमको, पैनल अलग करेंगे। ये हमारा सबसे पहले है और हम सिमटाली इसमें निकाल लें, ये हमारा सिमटाली लगा हुआ है, सिमटाली अलग करते हैं, ये हमारा अलग हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम आराम से इसको खोल लेंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती नहीं है, आराम से ये हमारा खुल जाएगा। इतना खोलने के बाद हमको ज़्यादा नहीं उठाना है, पहले फिंगर को हटा लेना है, ये हमारा फिंगर हट गया है। उसके बाद हमको बैटरी को निखारना है, बैटरी को निखारने के लिए वैसे ही ये जो हरा वाला पट्टा पत्ती रहती है टेप, उसी को हमको पकड़ के खींचना है। उसके बाद हमको इसको आराम से निकाल लेनी है, देखिए हमारा निखर गया है। उसके बाद हमको डिस्प्ले को निखारना है, डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले का पत्ता है, इस पत्ते को आराम से हमको डिस्प्ले को निकाल लेना है, देखिए ये हमारा चपका हुआ है। इसको हमको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। हमारा C55 का फोल्डर है, ये हमको मिल गया है 850 रुपये में और ये पेस्टिंग गारंटी है। इसको लगाने के बाद अगर नहीं चलेगा तब भी हमारा फोल्डर चला जाएगा, 3 महीने के गारंटी वारंटी आता है, पेस्टिंग गारंटी फोल्डर है, 850 रुपये में हमको मिला हुआ है, देख लीजिए। ये नीचे का हम स्टिकर निखारेंगे और यहाँ का टेप निखारेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे टेप मारेंगे, इसमें ग्लास लगाएंगे, तब जाके इसमें बैठाएंगे।